अभी ये फर्स्ट है? हाँ ये फर्स्ट है, अभी दूसरी 45 दिन के बाद। तो भाई इतना ढेर सारा सामान जो हमने लिया, इसका पूरा पेमेंट मैंने किया पूरे 1 रुपए। शॉपिंग कर गया वहाँ से 1 रुपए में, ये सारा सामान 1 रुपए में लाया मैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? मैं हूं दिवाकर, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की बादल, आज का मौसम देखो क्या मस्त मस्त बादल छा रखे हैं ऊपर। मतलब एकदम जो कड़कती हुई गर्मियां चल रही थी एक दो हफ्ते से, तो फाइनली अब जाके ऐसा मौसम हो गया है कि अब थोड़ी राहत मिल गई लोगों को। हवा चल रही है मस्त, बारिश ऐसा मौसम हो रखा है, बारिश हो नहीं रही जबकि, लेकिन शायद मे भी कल परसों बारिश हो ही जाए, लेकिन आज बादल लगे हुए हैं। देखिए अभी भी सो के उठे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे तो उठो। 10 बजे मैं पानी लान के रहा हूँ। अरे दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, घोंसले के बारे में आपने सुना होगा, पर आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई जो हमारे घर का अमरूद का पेड़ है, ये वाला। मतलब ये ऑब्वियसली मुझे पसंद है क्योंकि भाई अमरूद मेरा फेवरेट फ्रूट है। भाई इस पेड़ में चिड़िया ने घोंसला दे रखा है और घोंसले के अंदर पड़े हैं अंडे। मतलब हम लोग तो कुग्गी कहते हैं, आप लोग लगा लो सब जो भी कहते हो, हम लोग खुद जानबूझ के इस पेड़ के ज़्यादा पास नहीं आते क्योंकि कहीं उड़ ना जाए, और दिन भर ये यहीं पर बैठी रहती है। ये आप देख रहे हो घोंसला जो बना हुआ है, इसके अंदर वो बैठी हुई है। तो भाई बहुत ही जल्दी इस पेड़ में अमरूद भी लगने वाले हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे भी होने वाले हैं। दोस्तों भी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाने वाले हैं, वैक्सीनेशन करवाने वाले हैं, क्योंकि भाई इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सके उतना खुद को कोरोना से बचाओ, टाइमली वैक्सीनेशन करवाओ। तो भाई पहले था 60 से अबव जो थे उनके लिए लग रहा था, अभी लग रहा है आई गेस 45 से 60 के बीच में जो है उनके लिए लग रहा है। तो अभी मतलब पापा और मम्मी दोनों जाएंगे हॉस्पिटल, साथ में भी जा रहा हूँ, तो फिर पापा मम्मी को आज लगेगा, मेरे को शायद बाद में कभी लगेगा जब और कम एज का शुरू होगा तब। चलो भाई गेट खोलते हैं पहले। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से और हम सीधा जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे भाई माता रानी और पिताश्री का टीकाकरण होगा आज। अभी आएगी जिम मेरी। तो भाई हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, अब होने वाला है टीकाकरण। ज़्यादा आगे मत लगाओ, पीछे को लगा दे गाड़ी, फिर वहीं फंसे रहेंगे यहाँ पे 2 घंटे। घंटा बैठो यहाँ पे आराम करो। ये भाई मम्मी और पापा दोनों को लग गया इंजेक्शन और अभी डॉक्टर ने कहा कि आधा घंटा वेट करो, उसके बाद घर जाना है। मम्मी फ़ोन करके अपनी सहेलियों को सुनाती हुई इंजेक्शन लग गया। पापा जी कैसा लग रहा है इंजेक्शन लगवा के? पता नहीं लग रहा है। मेरे को लगा इंजेक्शन लगाएंगे दवाएंगे, टाइम लगेगा, उसने ऐसे सुई लगाई हो गया। ऐसे ही होता है, मतलब 45 दिन के बाद दूसरी डोज मिलेगी। अभी ये फर्स्ट है? हाँ ये फर्स्ट है, अभी दूसरी 45 दिन के बाद। और अभी बता रहे हैं कि जो 18 साल से अबाब एज वाले हैं उनको भी लगने वाला है इंजेक्शन, उसका ऑर्डर नहीं आया अभी इनको। मतलब मेरी बारी भी आने वाली जल्दी। तो अब यहाँ हमने बैठना है आधा घंटा बैठ के टाइम पास कैसे कर रहे हैं? पीछे मुझे लगाट के पेड़ देख रहे हैं, वो चिड़ियों में बैठ के खा रही हैं और पेड़ों के अंदर। हाँ तो चिड़ियों को देख रहे हैं। पापा हम यहाँ पे रजिस्टर करके बैठेंगे किस चिड़ी ने कितने लगाट खाए हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देखो भाई, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। ये जो बाल्टियाँ हैं बड़ी बड़ी ड्रम जैसे हैं, इनको काट के बना दिए गुलदस्ते। यहाँ पे भी बड़ी सी कोई बॉटल थी उसका गुलदस्ता बना लिया। और ये देखो ये पानी वाली या फिर जो भी पीपियाँ होती हैं, कैन, हाँ कैन, इनके जो बना लिए गुलदस्ते। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये देखो यहाँ पे ये जो डब्बे होते हैं जिसमें वैक्सीन आते हैं, हाँ मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है यहाँ पे। ये चीज़ अभी हमारी माता रानी ने ऑब्जर्व की यहाँ पे, इसके लिए इनको एक इंजेक्शन का अवार्ड मिलता है। ये इनके डस्टबिन थे, ये देखो ये टूटने के बाद इन्होंने गुलदस्ते बना दिए। नहीं बैठो बैठो जी, रोटी खाने गए थे आए दस बीस मिनट। तो भाई अभी हम लोग आए थे तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अब देखो तो धीरे धीरे भीड़ होना शुरू हो गई है। मम्मी बैठी है, पापा घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, आधा घंटा वेट कर रहे हैं, तो यही घूम फिर के टाइम पास कर रहे हैं। भाई भी पापा में अंदर गए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, क्योंकि यार जब हम लोग आए थे ना तब चला था लंच ब्रेक, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप लोग इंजेक्शन लगवा लो, ऐसे ही आधा घंटा वेट करना है, तो लंच ब्रेक के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है पापा मम्मी की, फिर यहाँ से निकलेंगे आधा घंटा, अब यहाँ से चलते हैं घर, घर में कहीं और चलेंगे। अभी हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, हॉस्पिटल के थोड़ी सी पास अपनी दुकान भी है, तो सीधा यहाँ से आ रहे हैं सीधा शॉप पर, जाके मिलते हैं भाई के पास, उसके लिए टिफ़िन भी लेके आए हैं, उसको थोड़ा सा
ये ऐसे बाइक वाले भी टकराएंगे बाद में, वो गाड़ी वाली गलती है। मम्मी कैसा लग रहा है? अभी अभी मम्मी कह रही थी कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ये पसीना आ रहा है। अभी अच्छा लग रहा है? पसीना तो अभी भी आ रहा है, गर्मी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। यहाँ से आ रहे सीधा अपनी शॉप में, क्योंकि शॉप यहाँ से पास ही है, साथ ही है, मतलब एक किलोमीटर होगा यहाँ से ज़्यादा। तो बस उधर आके बैठेंगे थोड़ी देर। मम्मी टिफिन बना के लाई है भाई के लिए स्पेशली, जिसमें पंच पकवान भरे हुए हैं। कितनी ज़्यादा हंसी आई है देखिए, सबसे ज़्यादा हंसी हमारी माँ को ही आई है। छप्पन पकवान तो सुने थे, ये पंच पकवान क्या होते हैं? अरे छप्पन बड़ा हो गया ना, पंच पकवान छोटा हो गया थोड़ा। तो डब्बे में, छोटे डब्बे में छप्पन थोड़ी आएंगे, हमने पांच ही डाले ना, पंच हो गए फिर वो। ये अच्छी टी शर्ट ले जाऊंगा मैं, मैं ले जाऊंगा टी शर्ट। ये मम्मी को चक्कर आ रहे हैं, मम्मी को पसीना पसीना आ गया, चक्कर आ गया। मम्मी कह रही है रिएक्शन होता है टीके का, कोई नहीं ले जाएंगे। वो ये उल्लू वाली भी है, ये चमकता है उल्लू। अब इतना खर्चा हो गया है, एक आज चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। ये वाला एक नया आ गया शुरू कर, बाकी पुराने आप लोग देख चुके हो पुरानी वीडियोस में, ऊपर आपका आई बटन लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का, उसमें आपको दिख जाएंगे भाई कौन कौन से नए शूज़ आए थे दुकान में। दुकान में आए हैं खाली हाथ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम लेके जाएंगे नाइकी जॉय राइड। तो भाई ये जब हम शूज़ लेके आए थे उससे मुझे ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि इसकी सोल बहुत ही मस्त है। एक जो मुझे पसंद आया था ये ऊपर पड़े हैं नाइकी 9020, वो भी मैं बाद में भी ले लूँगा, लेकिन फिलहाल तो आज के लिए मैं ये लेके जाऊँगा नाइकी जॉय राइड। बहुत मस्त शूज़ है ये। मम्मी की शक्ल देखो, मम्मी की शक्ल ऐसी है क्योंकि दुकान में इस टाइम चप्पलों के अलावा और कुछ नहीं है जो मम्मी के काम का है। तो मम्मी ऐसी शक्ल मारी कि देखिए खुद जूते लेके जा रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। चप्पल कौन सी, मेरे साइज की चप्पल भी नहीं होनी आज सबके सामने। कैमरा में बता रहा हूँ ये जो शूज़ हैं ये मेरे हैं, तो तू नहीं पहनेगा। तू पहनेगा तो मेरे से एप्लीकेशन लिख के देगा, तो क्योंकि ये बंदा ऐसा है, अगर इसने एक और जूता ये पहन लिया ना तो ये यही पहन के सोएगा, यही पहन के हगेगा मुदेगा, इसका सब कुछ ये पहन के होगा जब तक ये ख़राब नहीं हो जाते। मतलब इसको बिल्कुल वो संभाल ही नहीं है कि चीज़ कैसे रखूं। तो ऐसा करो इसको दुकान में ही छोड़ दो। नहीं ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे हैं। नहीं नहीं इससे अच्छा है कि दुकान में रहने दो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, पहन के चले जाओ। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये शूज़ मेरे हो गए, जैसे मेरे बाकी शूज़ पड़े हैं वैसे मेरे शूज़ को मेरे से बिना पूछे हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है पंच पकवान की, जो हमारी माता रानी डब्बा बना के लाई हैं। कहते हैं कि भाई दिन में एक गरीब को खाना खिलाइए पेट भरिए पुण्य मिलेगा, ये हमारा आज का पुण्य है। भाई आज मैंने ले लिया एक अपना नाइकी जॉय राइड, बहुत तगड़ा शूज़ मुझे पहले बहुत पसंद था। साथ में एक लिए मैंने ये वाली टी शर्ट ली है, जो कि मैं शुरू में शायद घर में पहनूंगा, बाद में मैं इसको जिम भी पहनूंगा, और साथ में एक पजामा लिया है जिम में पहनने के लिए। और इन सब का बिल जो आया ना पूरा भाई कितने रुपये मिला है खुद ही दिखा दे कितना है। ये मैंने इसका पेमेंट किया यहाँ पे। तो भाई इतना ढेर सारा सामान जो हमने लिया इसका पूरा पेमेंट मैंने किया पूरे एक रुपये। दुकानदार से भी कंफर्म कर लेते मैंने कितने रुपये पे किए। मेरी तरफ से भाई एक रुपया चला गया, जो कि बहुत ही ढेर सारी राशि है। पहली बार मैं कोई चीज़ पैसे लेके खरीद के जा रहा हूँ अपनी दुकान से, और मैं फ्री जाता था हमेशा लेके, पर आज पर भी मैंने सोचा कि चलो यार आज मतलब इतना टाइम हो गया है सामान लेते हुए फ्री में, अब थोड़े पैसे दे दिए जाए, मैंने एक रुपये इसको पे कर दिए। वो इतनी बड़ी रकम कैसे संभालेगा? अब इतने पैसे आ गए हैं मेरे पास, अब मेरे को डर लग रहा है कि कहीं दुकान में चोरी ना हो जाए। तो चलो ठीक है, अब चलते सीधा घर में, दुकानदार अपनी दुकानदारी करता रहेगा। हमने तो भाई ढेर सारा सामान मिल गया बहुत ही बजट में। मास्क भूल गया। ये है वो दुकान भाई जहाँ पे एक रुपए में इतना ढेर सारा सामान मिलता है। तो बस भाई आइए यहाँ पे दुकान में, लेकिन शायद आप लोगों को एक रुपए में इतना सामान नहीं मिलेगा, लेकिन काफी सस्ते में मिल जाएगा उसकी गारंटी मैं देता हूँ। पहुंच गए घर, मेरा सामान कहाँ पे है? मेरा सामान तो जरूरी है, वो निकालना जरूरी है। तो यार दोस्तों अभी मैं करीब, मौसम दिखा रहे यार आप, मौसम इतना मस्त हो रहा है, ये देखो बादल छाए हुए हर जगह, हवा चल रही है बहुत मस्त। मेरा सामान भी आ गया है, शॉपिंग कर गया वहाँ से एक रुपये में, ये सारा सामान एक रुपये में लाया मैं, ये स्पेशल लोगों के लिए होती है एक रुपये की शॉपिंग। आ गए हम लोग घर वापस, आ गया अपना पजामा, ये टी शर्ट जो मैं लेके आया था। सबसे मेन चीज़ भाई, सबसे मेन चीज़ हमारे प्यारे नाइकी जॉय राइड्स। अभी मैं करीब आधा एक घंटा बैठ के रेस्ट करूँगा, उसके बाद जिम जाऊँगा, जिम से आऊँगा, खाऊँगा, सो जाऊँगा। दोस्तों आज के व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्दी करवाओ यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।